यू कैन क्विकली डिस्प्ले अन वेब पेज इफ़ यू ना इट इज़ यू आर एल अगर आप यू आर एल जानते हैं तो उस पेज को आप जल्दी से उसको ओपन कर सकते हो टू व्यू ए वेबसाइट वी टाइप इट इज़ यू आर एल इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउसर्स विंडो वेब ब्राउसर विंडो के एड्रेस बार में हम यू आर एल टाइप करते हैं जब भी हमें कोई वेबसाइट देखना हो द यू आर एल ऑफ़ सम वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट आर कुछ वेबसाइट्स यहाँ पर इस तरह से हैं उनका यू आर एल इस तरह डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट दिसनी डॉट कॉम डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डॉट कॉम डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पित्रा डॉट कॉम डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट कार्टून नेटवर्क डॉट कॉम तो ये इस तरह से यहाँ पर ये यू आर एल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स एक यूनिक एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का तो उसको हम एड्रेस uh, बार में जब वहाँ पर टाइप करते हैं तो ये हमको वहाँ पर वो वेबसाइट ओपन करके दिखाते हैं लुक एट द लास्ट वर्ड ऑफ दिस यू आर एल्स हियर डॉट कॉम इज़ द यू आर एल एक्सटेंशन ऑफ ए वेबसाइट एक वेबसाइट का यू आर एल एक्सटेंशन होता है डॉट कॉम डॉट सी ओ एम कॉम डॉट कॉम ये उसका एक्सटेंशन नेम है इट प्रोवाइड इंफार्मेन ऑफ द टाइप ऑफ द वेबसाइट दैट दिस इज़ ए कमर्शल वेबसाइट सम काम यू आर एल एक्सटेंशन आर तो ये कमर्शल एक वेबसाइट होता है जो उसका एक्सटेंशन नेम होता है इस एक्सटेंशन नेम को देने पर हमको वो वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन दे देते हैं हमको इसी के साथ यहाँ पर कुछ कामन यहाँ पर यू आर एल एक्सटेंशन भी दिया हुआ है जैसे डॉट एम आई एल ये मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होता है डॉट आई एन टी ये इंटरनेशनल के लिए इस्तेमाल होता है डॉट सी ओ एम कमर्शल के लिए फिर इसके बाद डॉट नेट ये नेटवर्क के लिए डॉट जी ओ वी गवर्नमेंट के लिए डॉट ई डी यू एजुकेशनल के लिए सम कंट्रीज इनिशियल आर यूज इट एज़ यू आर एल एक्सटेंशन कुछ कंट्रीज़ का इनिशियल यहाँ पर यू आर एल एक्सटेंशन इस्तेमाल होता है जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है डॉट एफ आर फ्रेंच के लिए डॉट यू के यू के लिए डॉट ए यू आस्ट्रेलिया के लिए डॉट यू एस यू एस ए के लिए डॉट आई एन इंडिया के लिए डॉट सी ए कैनेडा के लिए तो डियर स्टूडेंट आइए पेज नंबर नाइन्टी फाइव पर कनेक्टिंग द इंटरनेट इंटरनेट को कैसे कनेक्ट किया जाए यू विल रिक्वायर्ड द फॉलोइंग कम्पोनेट्स ऑफ ए कम्प्यूटर सिस्टम टू कनेक्ट टू द इंटरनेट तो आपको ये चीज़ें चाहिए जो कम्प्यूटर को कनेक्ट करने के लिए अपने कम्प्यूटर सिस्टम को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए टेलीफोन एक टेलीफोन चाहिए मोडियम मोडियम चाहिए एन इंटरनेट कनेक्शन फ्राम एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आई एस पी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपको कनेक्शन चाहिए जैसे बी एस एन एल होता है एयरटेल होता है या जियो होता है वगैरह वगैरह वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर आपको एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए टेलीफोन लाइन टेलीफोन लाइन इज नीडेड फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क एंड वाइस वर्सा इसी तरह से आगे द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द मोडियम एंड द मोडियम इज कनेक्टेड टू द टेलीफोन लाइन तो आपको एक टेलीफोन लाइन चाहिए टेलीफोन लाइन आपको ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपको आगे पहुंचाने के लिए आपको एक टेलीफोन लाइन चाहिए तो कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं मोडियम के साथ और मोडियम कनेक्ट होता है टेलीफोन लाइन के साथ मोडियम यहाँ पर क्या है यहाँ पर मोडियम आपको बोलता है मोडियम एक एक्सटर्नल भी दिखाई है एक इंटरनल भी दिखाई है मोडियम स्टैंड फॉर मोड्यूलेटर डी इट इज़ ए डिवाइस दैट कनेक्टेड यूर कंप्यूटर टू नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इट अलाउज़ वंस कम्प्यूटर टू कनेक्ट विद अनदर कंप्यूटर एंड ट्रांसफर डाटा वेलीफोन लाइन तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ देते हैं यह मोडियम जिसको मोडियम जिसका फुल फॉर्म है मोड्यूलेटर डी मोड्यूलेटर तो ये आपको ट्रांस पर करते हैं आपके डाटाज को टेलीफोन लाइन के जरिए नाव एडेज कंप्यूटर है इन ब्यूल्ड इंटरनल मोडियम फिट इट इन अब अभी जो कंप्यूटर आते हैं उनके अंदर वहाँ पर इंटरनल मोडियम वहाँ पर फिट किया होता है नहीं तो पहले आपको इंटरनल मोडियम को अलग लगाना पड़ता था दियर आर एक्सटर्नल मोडियम अवेलेबल आल्सो विच आर प्लेसड आउटसाइड द कंप्यूटर कंप्यूटर के बाहर आपको एक मोडियम लगाना पड़ता है उसको एक्सटर्नल मोडियम कहते हैं जो अवेलेबल होता है आपको मार्केट में द स्पीड ऑफ ए मोडियम इज़ मेजरड इन बी पी एस बीट्स पर सेकेंड बीट पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ पर आपका मोडियम का स्पीड मापा जाता है तो ये हो गया हमारा मोडियम के बारे में जो हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को किसके साथ कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ जोड़ते हैं वो उसका जोड़ने का एक वसीला होता है वहाँ पर होता है मोडियम हमारा मोडियम के सहारे हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ देते हैं उसके लिए हमको चार चीज़ें चाहिए एक टेलीफोन लाए एक टेलीफोन चाहिए एक मोडियम चाहिए एक इंटरनल कनेक्शन के लिए हमको आईएसपी चाहिए जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है और हमको एक वेब ब्राइसर सॉफ्टवेयर चाहिए एक वेब ब्राउज़िंग सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम एन आई एस पी पेज नंबर नाइन्टी सिक्स पर आइए तो इंटरनेट एक कनेक्शन जो है हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कैसे लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में बताया जाएगा एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आई एस पी इज़ ए कंपनी विच हैव इंस्टॉल इट पावरफुल कंप्यूटर इज़ कॉल इट सर्वर तो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी होता है जिसके पास एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसको सर्वर कहते हैं एन आई एस पी कनेक्शन टू यूजर्स एंड स्टलाइट एक आई स्पीड प्रोवाइडर जो है कनेक्शन मुहैया करते हैं यूजर्स को केबल के जरिए या स्लाइड के जरिए सर्वर्स आल्सो कंट्रोल द फॉलो ऑफ सिग्नल्स ऑन द कनेक्शन कनेक्शन में जो आपको कंट्रोल करते हैं उसमें जो वहाँ पर सिग्नल जाते हैं उसको कंट्रोल करते हैं एवरी सर्विस प्रोवाइडर गिवस यू विद एम एंड पासवर्ड आपको एक कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा वो आपको एक यूज़र नेम देते हैं और पासवर्ड देते हैं यूजिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड यू हैव टू कनेक्ट टू द सर्वर ऑफ़ ए आई ऑफ़ द आई एस पी फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट इंटरनेट को चलाने के लिए आपको वहाँ पर उस पासवर्ड और उस यूज़र नेम को इस्तेमाल करना होता है आई एस पी चार्ज ए फ्री फॉर इंटरनेट कनेक्शन आई दर ऑन मंथली और आवरली बेसिस तो आई चार्ज जो है फ्री होता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए जबकि मंथली और घंटे के हिसाब से आपको चार्ज करना पड़ता है सम पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर एज फालोस कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पर हैं यहाँ पर जो मशहूर हैं वी एस एन एल विदेश संचार निगम लिमिटेड एम टी एन एल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड भारतीय एयरटेल सेफ़ी टाटा इंडिकॉम वोडाफोन एक्सेट्रा रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड तो ये कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो मशहूर हैं हमारे इंडिया में तो ये हो गया डियर स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक कल हम आते हैं नेक्स्ट ब्रॉसिंग द इंटरनेट से शुरू करेंगे ओके गुड बाय हाफिज